तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं डेली इंग्लिश का एक सीरीज। आप अगर घर में होते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आम बोलचाल वाले इंग्लिश का जरूर प्रयोग करते हैं, या आपके माँ बाप या रिश्तेदार भी ऐसे बात बात पे कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो डेली सुनने को मिलता है, या फिर अगर आप मोबाइल में भी किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग होगा। आप किसी ऑफिस या मीटिंग में भी अगर आप देखें, या अगर आप किसी से मोबाइल में भी चैटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कई वाक्य होते हैं जिसका प्रयोग हम बार बार करते हैं या दोस्तों के बीच भी हम लोग करते हैं। तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है देवतीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश एंड इंग्लिश गुरु। सो लेट्स स्टार्ट डेली इंग्लिश सीरीज। तो चलिए दोस्तों डेली इंग्लिश पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, आज मौसम बहुत सुहावना है। आज मौसम बहुत सुहावना है, क्या बोलेंगे? इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे। इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे, क्या बोलेंगे? इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे। तो आज मौसम बहुत सुहाना है, इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे। इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे। अगला देखिए सेंटेंस, अगली गाड़ी कब आएगी? When is the next train due? When is the next train due? तो कई बार हम लोग बात भी करते हैं, हम बोलते हैं ना कि अगली ट्रेन कब आएगी, तो When is the next train due? तो When is the next train due? अगली गाड़ी कब आएगी? अच्छे दिन आने वाले हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ठीक है भैया, गुड डेज आर अहेड। गुड डेज आर अहेड, अच्छे दिन आने वाले हैं। गुड डेज आर अहेड। देखिए जैसा हिंदी है वैसा इंग्लिश, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इंग्लिश अपनी स्टाइल से चलेगा, हिंदी अपनी स्टाइल से चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है। सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। कभी किसी को बोलना है कि भैया आपकी मेहरबानी है जो भी सब हो रहा है, तो सो काइंड ऑफ यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सो काइंड ऑफ यू। अगला देखिए, वह बातूनी लड़की, बहुत बकबक करती है, बहुत बात करती है। शी इज़ अ चैटी गर्ल, शी इज़ अ चैटी गर्ल। क्या बोलेंगे? शी इज़ अ चैटी गर्ल, वह बहुत बात करती है, बातूनी है, तो शी इज़ अ चैटी गर्ल। अगला देखिए, मुझे हंसी आ रही है। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो मुझे हंसी आ रही है, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तुम उसके इशारे पर नाचते हो। ठीक है ना, कई बार माँ अपने बेटे को बोलती है तुम अपनी पत्नी के इशारों पे नाचते हो। यू आर पपेट इन हर हैंड्स, यू आर पपेट इन हर हैंड्स, यू आर पपेट इन हर हैंड्स। तुम उसके इशारे पर नाचते हो, मतलब तुम उसके उंगलियों के कठपुतली हो। कृपया खाना लगा दो, कृपया खाना लगा दो। क्या बोलेंगे? प्लीज ले द टेबल, प्लीज ले द टेबल। फिर से मैं बोलूँगा, जैसा हिंदी हो वैसा इंग्लिश हो कोई गारंटी नहीं है। इंग्लिश अपने स्टाइल से चलेगा, आपको उसी हिसाब से ही बोलना है, और दुनिया इसी तरह से ही बोलता है। ठीक है, तो प्लीज़ ले द टेबल यानी खाना लगा दो। अगला देखिए, नाश्ते में क्या खाओगे? ठीक है, व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब आप नाश्ते में क्या लेंगे या क्या खाएंगे। ठीक है, नल चला दो। देखिए अक्सर बोलते हैं ना, नल चला दो, है ना, मोटर ऑन कर दो, टर्न ऑन द टैप। तो देखिए जो नल का होता है ना, वो टैप कहलाता है। ठीक है, जहाँ से हम पानी निकालते हैं, तो टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप, नल चला दो, नल चला दो, टर्न ऑन द टैप। मेरे साथ दोहराते भी चलना है आपको। उसका वेतन दोगुना हो गया। ठीक है, हिज सैलरी हैज़ बिन डबल्ड, His salary has been doubled। उसका सैलरी दोगुना हो गया, His salary has been doubled। उसका वजन बढ़ गया है। अक्सर बोलते हैं तुम्हारा वजन बढ़ रहा है या बढ़ गया है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? He has gained weight, He has gained weight। weight यानी वजन, और gain यानी प्राप्त करना। तो He has gained weight, उसका वजन बढ़ गया है। मुझे दया आ गई। ठीक है, I felt pity, I felt pity। मुझे दया आ गई, आई फेल्ट पिटी, या मुझे, मैंने दया टाइप से महसूस किया, तो आई फेल्ट पिटी। मेरा दिमाग मत चाटो, ये भी काफ़ी पॉपुलर है सेंटेंस, हम लोग अक्सर दोस्तों के बीच चर्चा करते हुए बोलते हैं। डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, डोंट गेट ऑन माई नर्व्स का मतलब हो जाएगा मेरा दिमाग मत चाटो। नकली वस्तुओं से बच कर रहो, बीवेयर ऑफ इमिटेशन, बीवेयर ऑफ इमिटेशन। मतलब नकली वस्तुओं से बच कर रहो, बीवेयर मतलब बच कर रहना। ठीक है, इमिटेशन मतलब उसी का मिलता जुलता कोई रूप आप बनाते हो ना, इमिटेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, चलती गाड़ी पर कभी मत चढ़ो, नेवर बोर्ड अ रनिंग ट्रेन, नेवर बोर्ड अ रनिंग ट्रेन। चलती गाड़ी पर मत चलो या मत चढ़ो। यहाँ थूकना मना है, स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, स्पिटिंग यानी थूकना, प्रोहिबिटेड मतलब निषेध या मना ही। तो यहाँ थूकना मना है, स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, मतलब यहाँ थूकना मना है। उसे फोन करो, रिंग हिम अप,
उसे फोन करो, रिंग हिम अप। रिंग अप मतलब फोन करना, उसे फोन करना, रिंग हिम अप। मेरे सर में जोरों का दर्द है, बहुत जोर से दर्द है, बोलते ना सर पे, आई हैव अ बैड हेडेक, आई हैव अ बैड हेडेक, मेरे सर पर जोर का दर्द है, जोरों का दर्द है मेरे सर पर, आई हैव अ बैड हेडेक या सिवियर हेडेक। नाक साफ कर लो, सर्दी के मौसम में नाक बहता है तो हम लोग बोलते हैं नाक साफ कर लो, ब्लो आउट द नोज, ब्लो आउट द नोज, नाक साफ कर लो, ब्लो आउट द नोज। मुझे फुसलाने का प्रयत्न मत करो, कई बार बोलते हैं ना बेटा तू मेरे को फुसला रहा है, चूतिया बना रहा है। डोंट ट्राई टू कोक्स मी, कोक्स फुसलाना, ठीक है, तो डोंट ट्राई टू कोक्स मी, डोंट ट्राई टू कोक्स मी, मुझे फुसलाने का प्रयत्न मत करो, प्रयास मत करो। मैं बारिश में भीग गया, ये काफ़ी सारे मुझे भी क्लास में पूछते हैं, क्या बोलेंगे, आई ड्रेंच्ड इन द रेन, आई ड्रेंच्ड इन द रेन, मैं बारिश में भीग गया, मैं बारिश में भीग गया, आई ड्रेंच्ड इन द रेन। नेक्स्ट देखिए, वह बहुत दुबला पतला है, ही इज वेरी लीन एंड थिन, ही इज वेरी लीन एंड थिन मतलब वह बहुत दुबला पतला है। अगला, तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं, क्या बोलेंगे, योर हैंड्स आर गेटिंग कोल्ड, योर हैंड्स आर गेटिंग कोल्ड, तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं, क्या बोलेंगे, योर हैंड्स आर गेटिंग कोल्ड। नेक्स्ट देखिए, रिश्वत लेना जुर्म है, एक्सेप्टिंग ब्राइब इज अ क्राइम, ठीक है, तो रिश्वत लेना जुर्म है, एक्सेप्टिंग ब्राइब इज अ क्राइम, एक्सेप्टिंग ब्राइब इज अ क्राइम मतलब रिश्वत लेना जुर्म है या अपराध है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, ये भी काफ़ी पॉपुलर सेंटेंस है, क्या बोलेंगे, डोंट रैक अप द पास्ट, डोंट रैक अप द पास्ट। 5 बजे का अलार्म लगा दो, ये भी हम लोग अक्सर घर में भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सेट द अलार्म एट 5 मतलब 5 बजे का अलार्म लगा दो। वह तुम्हारा क्या लगता है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, वट इज ही टू यू, वट इज ही टू यू, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है दोस्तों, इसको बोल बोल के याद करेंगे, वट इज ही टू यू, वह तुम्हारा क्या लगता है, वट इज ही टू यू। नेक्स्ट, आप ऊंघ रहे हैं, कई बार क्लासेस में या कहीं पर पब्लिक मीटिंग में या किसी कार्यक्रम में कोई व्यक्ति ऊंघ रहा होता है तो क्या बोलेंगे, यू आर डोजिंग, यू आर डोजिंग मतलब आप ऊंघ रहे हैं, यू आर डोजिंग आप ऊंघ रहे हैं। सफाई की आदत डालो, कल्टिवेट हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस, कल्टिवेट हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई की आदत डालो। जोश में मत आओ, डोंट गेट एक्साइटेड, डोंट गेट एक्साइटेड, जोश में मत आओ, ज़्यादा जोश मत दिखाओ भी कई बार बोलते हैं, तो डोंट गेट एक्साइटेड, मेरे रास्ते से हटो, ठीक है, गेट ऑफ माई वे, गेट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हटो, गेट ऑफ माई वे, ठीक है। तो दोस्तों ये था डेली इंग्लिश पार्ट 3, होप सो आप लोग को मजा आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करना ना भूले, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, डेली नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और मैं नॉन स्टॉप काफ़ी सारे वीडियोस काफ़ी दिनों से बना रहा हूँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।